साउथ अफ्रीका दौरे पर ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा। ऋषभ पंत एक भी पचासा नहीं लगा सके, साथ ही उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर भी खूब सारी बातें चल रही, और इसमें सबसे बड़ा रोल है जोहान्सबर्ग में उनके द्वारा लगाए गए एक शॉट का। दरअसल जोहान्सबर्ग टेस्ट में क्रीज पर आते ही ऋषभ पंत ने अटैकिंग रणनीति अपनाई और कगिसो रबाडा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन सही नहीं बैठा और पंत विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। जब ऋषभ क्रीज पर आए थे तब भारत को एक साझेदारी की जरूरत थी, और इसी के चलते पंत का यह शॉट तुरंत लोगों के निशाने पर आ गया। हालांकि केपटाउन टेस्ट से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली ने पंत का बचाव किया। इसके बाद तीसरे और आखिरी टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत ने सदी हुई बल्लेबाजी की। उन्होंने कोहली के साथ पांचवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। ऋषभ 50 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बावजूद एक डिबेट खूब चल रही है कि पंत को बाहर करके राहुल को टीम में बतौर विकेट कीपर शामिल रखा जाए। इन सब के बीच साउथ अफ्रीका दौरे पर अब तक फ्लॉप रहे ऋषभ पंत को टेस्ट टीम से बाहर करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। जोहान्सबर्ग टेस्ट हारने के बाद से ही बातें हो रही हैं कि पंत को हटाकर या तो रिद्धिमान साह को खिला लीजिए या फिर राहुल से विकेट कीपिंग करा लीजिए। इन्हीं चर्चाओं के बीच स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में एक फैन ने यह सवाल भी पूछ लिया कि क्या ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल टेस्ट में विकेट कीपर के तौर पर विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इसके जवाब में गौतम गंभीर ने एक सुलझा हुआ जवाब दिया। गंभीर ने कहा है, मैं केएल राहुल को सिर्फ ओपनर के तौर पर देखना चाहूँगा। अगर आप राहुल को विकेट कीपर के तौर पर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें 150 ओवर तक विकेट कीपिंग करनी होगी। इसके बाद पहली गेंद का सामना भी करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ वनडे और T20 फॉर्मेट में ही चल सकता है, लेकिन टेस्ट में आपको रेगुलर विकेट कीपर की ज़रूरत होती है। गंभीर ने आगे कहा, आपका ओपनिंग बल्लेबाज कभी टेस्ट में विकेट कीपर नहीं हो सकता। अगर आपके पास दूसरा कोई ओपनर नहीं है तो फिर बात अलग है, लेकिन ये लंबे समय के लिए कोई हल नहीं है। इसलिए टेस्ट में मैं राहुल को विकेट कीपर के तौर पर कभी भी नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि वह नई गेंद पर खूब सारे रन बनाए, और अब उन्हें टेस्ट क्रिकेट में रिदम मिलना भी शुरू हो गया। राहुल अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। बताते चलें कि ऋषभ पंत का बल्ला भले ही साउथ अफ्रीका दौरे पर ना चला हो, लेकिन ये सच है कि पंत ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज बढ़िया प्रदर्शन किया। 2021 में 12 टेस्ट की 21 पारियों में पंत ने एक शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 748 रन बनाए। 2021 में रोहित शर्मा के बाद वो टेस्ट में भारत के दूसरे लीडिंग रन स्कोरर हैं, ओवरऑल चौथे। अब तक ऋषभ पंत 39 टेस्ट पारियों में लगभग 32 के एवरेज से विदेशों में 1181 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। अपने घर में पंत ने 8 पारियों में 64.86 की एवरेज से 454 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वैसे भी ऋषभ पंत के पास अभी अनुभव कमाने का बहुत मौका है। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि लगातार हो रही इन गलतियों के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। स्टोरी के लिए रिसर्च की थी अविनाश ने। कैमरे के पीछे है विजय। मैं हूं विपिन। शुक्रिया।